गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज मैं आपको नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? जैसे हम कोई भी इंट्रोडक्शन देता हूं इसके बारे में, जैसे भारत के सभी सदस्य, मान लो सारे सदस्यों को जोड़ दिया जाए और उन सदस्यों के एवरेज यानी कि मान लो पूरे सब साल भर में कितना पैसा कमाते हैं कितना नहीं कमाते, तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका सबों का एवरेज निकालकर औसत निकालकर मान लिया 5 कैंडिडेट हो आपके घर में, औसत निकाला इंडिया की भारत सरकार ने, प्रति व्यक्ति 18,000 रुपए इन दिए, 18,000 रुपए एक साल के कमाता है प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि कोई सा भी व्यक्ति हो। अब जैसे आपसे पूछा कि ये एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है इन सबों को जोड़, यानी कि जैसे आपके पास इंडिया की जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है 130 करोड़ की है, तो 130 करोड़ के प्रत्येक व्यक्ति की आय दी गई है वो एवरेज है। यानी कि जो इसका मान लो इसकी जो पूरे व्यक्तियों में जो जितने भी पैसे जुड़े 135 करोड़ की जनसंख्या में टोटल कितने पैसे दिए, एक्स, जनसंख्या कितनी है 135 करोड़, इतनी होती है, कितनी है ये 135 करोड़। 135 करोड़ की जनसंख्या में कितने प्रति की एवरेज 18,000 रुपये, कितनी है 18,000 रुपये है। तो अगर हमको पूरी योग निकालना है, क्या निकालना है कि कुल कितना पैसा खर्च हुआ भारत सरकार का, तो उस पैसे को जो आपकी एवरेज है वो 135 करोड़ से गुना कर दो, वो 135 जनसंख्या में बटने वाला पैसा आ जाएगा। यानी कि इंडिया वो भारत सरकार ने इतना पैसा प्रति व्यक्ति को दिया, यानी 135 करोड़ की जनसंख्या को इतना पैसा दिया। कहने का मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति का जो पैसा दिया गया है वो 18,000 रुपए है। जो 18,000 रुपए आया वो आपका औसत कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत, यानी कि एवरेज। एवरेज कितना है 18,000 रुपए, किसका, इंडिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम गवर्नमेंट इतना पैसा तो जरूर देगी। अब जरूरी का मतलब यह नहीं है, अब मान लो किसी को 15,000 मिला, किसी को 22,000 मिले, किसी को 23,000 मिले, किसी को कुछ, किसी को कुछ ऐसे मिलता है, तो ऐसे प्रक्रिया हमसे ऐसा तो किया नहीं गया। तो जितने भी आंकड़े होते हैं हम सभी आंकड़ों को जोड़कर उतने का भाग दे दिया जाता है, वो आपकी एवरेज आएगी। क्या आएगी? एवरेज आएगी। कभी भी कैसे भी कोई भी, अब मान लो तुम पांच घर के अंदर 5 सदस्य हो और 5 सदस्य कितना पैसा कमाते हैं कितना नहीं कमाते, मैं मान के चलता हूं एक ने जैसे 5 सदस्य ए, एक सदस्य की ए है, दूसरे सदस्य की बी है, तीसरे सदस्य की सी है, चौथे की डी है और पांचवे की ई है, टोटल एवरेज मिलाकर मान लो सपोज करो 50,000 रुपए आए। कितने आए? 50,000 रुपए आए। तो आपसे पूछा क्या है इसका एवरेज क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, कितने कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी कैंडिडेट व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की
संख्या। तो कितनी है व्यक्ति? पांच व्यक्ति है। पांच व्यक्तियों का भाग 50,000 में दे दीजिएगा। यानी कि अगर एवरेज निकालनी है, एवरेज मीन्स औसत, अगर औसत निकालनी है तो जितने भी कैंडिडेट है इन कैंडिडेटों को जोड़ के टोटल मनी में भाग दे दीजिएगा। कितने हैं? पांच। तो कितनी आ गई? 10,000। तो ये इससे क्या मालूम हुआ है? एवरेज निकला। एवरेज का मतलब क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय 10,000 रुपए हो, परंतु हमारी तरफ से कि प्रत्येक व्यक्ति की आय 10,000 रुपए है। क्यों? हमने एवरेज निकाला, और एवरेज में क्या आया? हमने पांच जितने भी कैंडिडेट है उन सबों की कमाई को जोड़ा, और कमाई को जोड़ने के बाद जो पैसा आया, जो भी पैसा आया उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं हम उन कैंडिडेटों का भाग दिया। तो कितने कैंडिडेट थे? 1, 2, 3, 4, 5 कैंडिडेट थे। पांच व्यक्तियों का टोटल पैसा कितना था? 50,000। 50,000। अब हमने कहा कि नहीं, इसका तो औसत निकालो, प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी आएगी। तो हमने जब इसका औसत निकाला गया तो जितने भी व्यक्ति होते हैं उसका उसके अंदर भाग दे दीजिए। भाग देने पर, डिवाइड करने पर, पांच का डिवाइड किया, पांच का भाग दिया तो कितना आया? 10,000। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी हो गई? 10,000 रुपए। इसे कहते हैं हम औसत, और इसी औसत को कहते हैं हम समांतर माध्य। यानी कि इस औसत को क्या कहते हैं? मीन। मीन का मतलब होता है माध्य। अब आता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के कितने, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में तथा माध्यों के प्रकार। माध्य कितने प्रकार का होता है? माध्य गणित की भाषा में तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? माध्य तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला माध्य होता है समांतर माध्य, इसे कहते हैं एपी, एम अर्थमैटिक मीन। अर्थमैटिक मीन दूसरा होता है गुणोत्तर माध्य। इसे कहते हैं जीपी, जीएम ज्योमेट्रिक मीन। और तीसरा होता है हरात्मक माध्य। इसे कहते हैं एचएम ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन सबसे पहले लेंगे हम समांतर माध्य। समांतर माध्य में अभी मैंने आपको समझाया था जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सबों की आयु का योग में उसका भाग दे दिया जाता है, व्यक्तियों की संख्याओं का भाग दे दिया जाता है, वो आपका क्या आएगा? समांतर माध्य या औसत या एवरेज। गुणोत्तर माध्य इसका गुणा के रूप में लिखा जाता है। समांतर माध्य मान लो ए और बी है,
इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, ए बी सी तीन संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है आपको। तो इसका माध्य निकालने के लिए ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, इसको इधर ले जाओ, बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू, ये आपका समांतर माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर माध्य। अगर मान लो इसी को ही हम गुणेतर माध्य में निकालना चाहें, गुणेतर माध्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, हम लोग ए बी सी है, एबीसी को गुणोत्तर माध्य में निकालने से पहले ये समांतर माध्य को ढंग से बहुत चित्र समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। यहां पर एबीसी, ए को कहते हैं हम प्रथम पद, बी को कहते हैं हम मध्यम पद, और सी को कहते हैं हम अंतिम पद। जब हमको मध्य पद निकालना होता है तो b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पदों का योग में दो का भाग दे दो, वो आपका मध्य पद कहलाता है। मध्य पद को ही हम माध्य कहते हैं, मध्य पद को ही क्या कहते हैं, हम माध्य कहते हैं। और अगर हमें एवरेज निकालनी है तो इन तीनों का भाग उसमें दे दीजिएगा, वो आपकी औसत होगी। और अगर हमें मध्य पद निकालना है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे हुआ दो, ये आपका मध्य पद कहलाएगा, मध्य पद। इसके बाद दूसरा आता है ज्योमेट्री मीन। क्या आता है? ज्योमेट्री मीन ए बी सी। तो इसमें ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, इन दोनों का मल्टीपल्स कीजिए, इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि फर्स्ट प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करके मध्यम पद का गुणा कीजिए। कहने का मतलब हुआ b गुना बी इक्वल टू ए गुना सी, यानी देता हूं a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, ये तीन पद, इन तीनों पदों तीन का मध्य का मध्य से मल्टीपल्स और फर्स्ट और अंतिम को गुणा कीजिए। b मल्टीपल्स b इक्वल टू a मल्टीपल्स c, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू रूट ए सी, ये आपका गुणेतर माध्य है। हम इसके स्थान पर जी भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? जी, यानी कि ये तो रेशो के अंदर हुआ था आपका मध्य पद निकालने का। अगर गुणेतर माध्य निकालना हो ए जी जी सी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जी इक्वल टू ए सी, दैट इज कॉल्ड इज गुणोत्तर माध्य। क्या कहलाता है? ये गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य के बाद आता है हरात्मक माध्य। कौन सा आता है? हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य में ये तीन पद लिए जाते हैं, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी और वन अपॉन सी, ये आपके हरात्मक माध्य होते हैं। इन तीनों को योग, यानी कि कहने का मतलब है वन अपॉन ए समांतर माध्य का उल्टा ही हरात्मक माध्य कहलाता है। वन अपॉन ए
वन अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन सी। इनको एक तरफ ले जाइए, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी। एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया, बी वन 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 प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन ए सी। इसमें किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ट्वाइस ए सी। इसको इधर ले आएगा, बी सी